काम का एक बच्चा भी इनके पास जाएगा तो उसका काम होगा जी। ये हमारा विश्वास आप पूरा पूरा से पूरा कि हमारे गांव का हर आदमी, हर बच्चा, बूढ़ा, जवान, औरतें सब मैडम जी को भी जानते हैं, मंत्री जी को भी जानते हैं और ये पूरा सहयोग गांव के लिए देते हैं। इसलिए पूरी उम्मीद है कि भाई इसको हम आगे भेजने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट न्यूज हरियाणा और मैं हूं अमित अमन। अभी हम श्यामनगर गांव के अंदर मौजूद हैं जो कि जिला परिषद रेवाड़ी के वार्ड नंबर 2 का गांव है और यहां पे सुरेश देवी जी पहुंची हुई हैं और लोग भी यहां पे काफ़ी मात्रा में मौजूद है। लोगों की जो राय है इनके बारे में क्या बन रही है वही जानने के लिए हम यहाँ पर पहुँचे हैं और साथ साथ जो विक्रम जी हैं वो भी मौजूद हैं जो कि आपके इलाके की सरदारी पहले कर चुके हैं, यहाँ से मंत्री भी रह चुके हैं, वो भी मौजूद हैं। पहले इन्हीं से बात कर लेते हैं और उसके साथ साथ आप ऊपर देख रहे हैं कि जो मटके का निशान है वो इनके ऊपर से भी दिखाया जा रहा है। तो चलिए, क्या मटका अपना दम दिखा पाएगा वही चीज़ें जानने के लिए हम यहाँ पर पहुँचे। मैम आप बताएँ, निशान तो यहाँ पर भी दिखाया जा रहा है तो क्या लग रहा है कि अगली बार मटका दम दिखाएगा? नमस्कार जी, मटका दम दिखाए जी, मटका फूल भर के और भी उजल जाएगा वो। हम भर के भेजेंगे मटके। ये आपके सामने खड़ी है जनता, जनता का प्यार आशीर्वाद मुझे पूरा मिल रहा है। मुझे अपना पूरा भरोसा है जनता पर कि ये मटके को भर के उससे भी ऊपर कर देंगे जी। मतलब अब की बार जनता के ऊपर पूरा विश्वास है कि दोबारा से आपको जिला परिषद के अंदर भेजेंगे? पूरा भेजेंगे, पहले भी भेजा था जनता ने और अब भी मेरे दिमाग में बिल्कुल यह है कि जनता मेरे को पूरा प्यार और आशीर्वाद देगी और मटका भरेगी पूरा। बिल्कुल सर, आप भी लोगों के बीच में जा रहे हैं तो क्या इलाका कोई कमी महसूस कर रहा है फिलहाल? जिस प्रकार से पंचायत चुनाव दो साल कोर्ट की प्रक्रिया के कारण लेट हुए जी, उसके लिए हर गाँव ग्रामीण भी हमारा प्रतिनिधि नहीं है, उसके लिए जो लोगों में अब जोश है, दो साल के बाद में पंचायत चुनाव आए हैं, गांव के काम रुके हुए थे और गांव के अगर ग्रामीण के विकास के लिए कोई काम होता है तो नीचे स्तर का पंचायत से आरंभ होता है जी। पंचायत से आरंभ होकर ब्लॉक का और जिले तक पहुंचता है। उस कड़ी में अब जिला परिषद एक जिले का मेन अभिन्न अंग है जी। तो आज आने वाली नौ तारीख को जिला परिषद और ब्लॉक समिति के चुनाव हैं और उम्मीद है मुझे, मैं मैडम के साथ वार्ड नंबर 2 में इनके मटके के लिए अपील करने गया हूं हर गांव में। जिस प्रकार आज श्यामनगर में हूं उसी प्रकार से प्रत्येक गांव में गया हूं जी। जिस प्रकार लोगों का प्यार, लोगों का आशीर्वाद, लोगों की भावनाएं आज जो हमारे प्रति सामने नज़र आ रही हैं जी, ये पीछे के किए हुए कामों का विकास का परिणाम है। लोग मेरे वार्ड के हर मातृशक्ति नौजवान साथियों और बुजुर्गों का प्यार और आशीर्वाद जो मिल रहा है वो आपके सामने है जी। क्या उद्देश्य सिर्फ जिला पार्षद तक है या अब की बार भी प्रमुख तक है? हर आदमी जब इलेक्शन लड़ता है जी तो जीत के लिए लड़ता है और मैं कहूँगा जब आदमी, ये तो जिला परिषद का इलेक्शन है, अगर एमएलए का भी लड़ता है तो मुख्यमंत्री की सोचता है, वो एक समय और समीकरण होता है और मुझे पूर्ण भरोसा है कि जिस प्रकार से हम 2010 के चुनाव में मैडम ने जिला प्रमुख का कार्यकाल करने का अवसर मिला, उसी प्रकार से अब तो इनका 5 साल का एक्सपीरियंस है जी। उस समय मैं राजनीति में नहीं था, मेरे को भी 5 साल विधानसभा का कार्यकाल मिला, मंत्रिमंडल का कार्यकाल मिला जी। तो अब वो जो राह है वो हमारे लिए उतनी कठिन नहीं है जितनी कठिन पहले वाले समय में थी। तो मुझे पूर्ण भरोसा है कि इनको जिले की बागडोर मिलेगी, अवश्य मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। जो पब्लिक है उससे हम जानने की कोशिश करेंगे, सब आप बताएं। डाल देंगे ऊपर से, उजाल देंगे, ऐसे उजलता जाएगा मटका ऐसे। तो गांव के अंदर ऐसे लोग पहुंचे हुए हैं कि जिनसे मैं, सर आप लोगों में जो भी बोल सकता हूँ एक बार आगे आ जाए थोड़ा सा। राव जी बोल साहब, क्या कहेंगे आपकी बार, क्या हो रहा है? बार भी बहुत बढ़िया काम है कि हमारे जो जाने पहचाने जो है ना जी प्रत्याशी खड़े हैं, पहले भी जीता चुके हैं, पहले जीता चुके हैं और बहुत ही बढ़िया काम किया है, फिर जो है ना अच्छा मान सम्मान भी रखता है जीतने के बाद जी। अब तो सभी करते हैं लेकिन इंसान तो होता है जीतने के बाद मान सम्मान रखे। हमारे काम का एक बच्चा भी इनके पास जाएगा तो उसका काम होगा जी।
ये हमारा विश्वास आप पूरा पूरा से पूरा बिल्कुल बिल्कुल पूरा से जो युवा है क्या उनमें से भी कोई बोलना चाहेगा जी आप बताएं क्या कहना चाहते हैं आपके बारे में। देखिए जी ऐसा देखिए ऐसा है कि हमारे गांव का हर आदमी हर बच्चा बूढ़ा जवान औरतें सब मैडम जी को भी जानते हैं मंत्री जी को भी जानते हैं और ये पूरा सहयोग गांव के लिए देते हैं। इसलिए पूरी उम्मीद है कि भाई इसको हम आगे भेजने की कोशिश करेंगे। पार्षद तो बने हुए हैं आगे की वो है हमारी जहाँ हमने जिला प्रमुख बनाना है। बिल्कुल बिल्कुल आप लोगों की जो सोच है वो क्या है जिला परिषद में भेजने के बाद में क्या काम करवाना चाहते हैं? सर हमारा मानना यही है कि ग्राम पंचायत के बाद अगर हम किसी पंचायत को मानते हैं तो हमारे लिए तो ये जिले की जो पंचायत है वही प्रमुख है जी। और मंत्री जी का कह लो या अब सुरेश देवी जी का कह लो जैसे ही ये चिन्ह आवंटित हुए या गांव के बुजुर्ग बैठते हैं इन्हीं के पास हम रहते हैं। बुजुर्ग भी जिक्र कर रहे थे कि बोला भाई मंत्री जी को अब की बार मटके का चिन्ह मिल गया और ये तो पानी का सूचक है और पानी के बगैर कुछ है नहीं जी। तो सर जरूर पूरा गांव देगा। क्या ये विशेष है क्योंकि पहले भी शायद मटका ही मिला था? हाँ जी नहीं सबसे बड़ी बात ये है सर सब हर आदमी चलो इसको स्वार्थ कह लो अपने लिए सोचता है और जब इनके मंत्रित्व काल में या इनके जिला प्रमुख काल में हमारे गांव को पूरी ग्रांट मिली है पूरा विकास हुआ है तो पूरा गांव पूरे सहयोग से साथ रहेगा सर यही इच्छा है। अब की बार क्या उम्मीद है आप लोगों की? बढ़िया उम्मीद है बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जिला प्रमुख तक है जी उम्मीद जिला प्रमुख तक नहीं है सुरेश यादव। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे किस प्रकार से जो भीड़ है जो तादाद है वो यहाँ मौजूद थी और लोगों के जो विचार हैं वो क्या हैं वो आपकी आंखों के सामने हैं कि लोग आखिर चाहते क्या हैं। आगे की अपडेट्स के लिए आप बने रहें हमारे साथ। नमस्कार धन्यवाद जय हिंद जय भारत। खुल गया है बेरली कला में एकमात्र हॉलमार्क का शोरूम हीरालाल एंड सन्स ज्वेलर। हमारे यहाँ सोने चांदी व हीरे का सामान तैयार मिलता है व ऑर्डर देने पर तैयार किया जाता है। हीरालाल एंड सन्स ज्वेलर्स मसीत वाले मेन रोड नजदीक बस स्टैंड गांव बेरली कला रेवाड़ी। कॉन्टेक्ट नंबर 7027178038 9466863187 9050551652। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें।